नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं दिल्ली के ऑफिस, दिल्ली के बहुजन समाज के कार्यालय के अंदर, और हमारे साथ हैं जिनकी बहन जी ने बहुत अच्छी सी जिम्मेवारी दे रखी है, पूरी दिल्ली को संभालने की जिम्मेदारी रखी है, सीपी सिंह। बहुजन समाज का जो गठजोड़ की सरकार बनने जा रही थी, तो कांग्रेस की कुछ गलतियों की वजह से बहन जी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, तो इससे हम लोग अपनी पार्टी को क्या देखते हैं, कहीं हमें कमजोरी मिलती है या और मजबूती मिलती है? हमारे जो मसीह हैं उनकी चाहत है कि हम अपने पैरों पर खड़े होकर इस देश के अंदर शासन प्रशासन भागीदारी लें, मगर जो लोग लंबे समय से इस देश में 72 साल आज़ादी के बाद जो इस देश के अंदर जो शासन 50 साल से ज़्यादा जिन लोगों ने किया, कांग्रेस ने किया है, या वर्तमान में जो सरकारें चल रही हैं, वो किसी कीमत पर नहीं चाहते कि इस देश के अंदर गरीब के बेटे राजा बने। तो उनकी सोच है कि ये कमज़ोर रहने चाहिए, और हमारे नेता की जिद है कि हम अपने पैरों पर खड़े होकर अपने समाज को इतना मजबूत करें कि हम खुद हुनर बने इस देश के अंदर। तो अभी उन लोगों ने चालाकी से कि ये अंदर बहुजन समाज मजबूत होगा, तो इसलिए उन्होंने ये चाल चली है कि वो समझौता, बहन जी तो खुले दिल से बात कर रही हैं, मगर उनके जो कुछ लोग हैं जो अदर पार्टी के लोग हैं, वो बैकडोर से दूसरी पार्टियों में, जैसा बहन जी ने खुलासा भी किया है, तो बैकडोर से दूसरी पार्टियों के लिए काम करते हैं। मगर हमारे नेता के इस स्टेटमेंट से पूरे देश के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी है, और हमारा जो वर्कर है वो और मजबूत हुआ है। तो इसलिए मतलब जो भी निर्णय बहन जी ने लिया है, और हमारी पार्टी के अंदर तो हमारी सुप्रीमो है, जो भी उनका आदेश होता है उसको सब लोग साक्षर पालन करते हैं, और अभी भी उन्होंने जो निर्णय लिया, बहुजन समाज पार्टी का एक एक वर्कर उनके साथ खड़ा मिलेगा।